इंदौर शहर में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ बुलाई गई अहम बैठक। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों व इंदौर के आसपास में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते आज GSITS इंदौर स्थित कोविड 19 कंट्रोल रूम में सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, कंट्रोल रूम का जायजा लिया। कलेक्टर और सांसद लालवानी ने बताया कि अनलॉक में बाजारों में काफ़ी संख्या में भीड़ बढ़ रही, जिसमें गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पा रहा है। इसी से शहर में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके चलते कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय होना है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जो पिछले एक महीने से या एक महीने 10 दिन से कंट्रोल में चीज़ें दिख रही थी, हल्का सा पेशेंट्स का जो स्वरूप अभी आना शुरू हुआ है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि बैलेंस में गड़बड़ाया है। और यही राइट टाइम है कि अगर अपन उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन या कोई ऐसे उपाय कर लेंगे जिससे मिक्सिंग कम हो शहर में। अब किस प्रकार से करना है, कैसे होगा, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप डिसाइड करेगा। पर अभी इस समय कर लेंगे तो बहुत कम दिन के सुधार कार्यक्रम में ही चीज़ें लंबे समय तक रखी जा सकती हैं। प्रकार से सैम्पलिंग के इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप आईली सारी जो सर्वे चल रहा है उसमें सैम्पलिंग के लिए अलग इश्यूज़ रहते हैं। जो फीवर क्लिनिक में जो जाते हैं लोग आईली सारी के कोविड सस्पेक्ट की, उसकी सैम्पलिंग अलग प्रकार से होती है, हर एक में अलग अलग रहता है। बैकलॉग हर समय रहेगा, वही बैकलॉग क्लियर होता जाता है। नए सर्वे हो जाते हैं, नए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ऐड हो जाते हैं, नए सारी आईली केसेज आ जाते हैं फीवर क्लिनिक्स में, तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बैकलॉग एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए सैम्पलिंग टीम्स की एफिशिएंसी हम लोग काफ़ी मॉनिटर कर रहे हैं और टीम्स कुछ बढ़ाई भी हैं, उसकी सैम्पलिंग की एफिशिएंसी भी मॉनिटर की जा रही है। सर, आज जो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन है उनके सामने रखे जाएंगे और वहाँ विस्तृत विचार विमर्श होगा किस प्रकार से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। वायरस की तीव्रता क्या लग रही है, डॉक्टरों का क्या कहना है मेडिकली कि किस तरह से वायरस वापस अटैक कर रहा है? अगर आप टेस्टिंग किट की बात करें, जो मेडिकल कॉलेज के डीन मैडम का कहना था कि वायरल लोड एसेज जो टेस्टिंग के माध्यम से आ रहा है उसमें वायरल लोड तो एसेज नहीं बढ़ा है, पर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या ज़रूर बढ़ी है। अब ये कोरोना वायरस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कि सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं इस समय, कोई भी इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं बतला हुआ था। अगर मेडिकल कॉलेज की टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें वायरल लोड बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, पर सब डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन ये है, इंक्लूडिंग डीन मेडिकल कॉलेज का, इंक्लूडिंग CMHO का, इंक्लूडिंग MYA सुपरिटेंडेंट का, इंक्लूडिंग इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का और पूरी डॉक्टर्स की जो शासकीय टीम जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ, सबका ये कहना है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या कुछ बढ़ी है। अभी आंकड़े हैं CMHO से, उसमें ये देखा गया है कि लगभग 2400 सैंपल पेंडिंग हो रहे हैं, तो ये पेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही? देखिए, पेंडेंसी यानी हमारी तो कैपेसिटी 40 से शुरू हुई थी और 40 से बढ़ते बढ़ते हम 2000 तक आए। अब सैंपलिंग जैसे मैंने ऐसा बताया 1400 ही हो रहा है। मैंने जो बताया सैंपलिंग हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों ज़्यादा ले रहे हैं उसका कारण बताया, क्योंकि हमारे नीचे के लोग जो जा रहे हैं कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो निकल के आ रहे हैं और जो पॉजिटिव आ रहा है उससे जो संपर्क में लोग आए उनका सबका ले रहे हैं, तो जो बचे हुए थे वो कल शाम को हमने प्राइवेट लैब में सैंपलिंग के लिए भेज दिए। अब कोई पेंडेंसी आज की तारीख में नहीं है। अच्छा, जो लॉकडाउन को लेकर काफ़ी चर्चा है कि फिर से लगाया जा रहा है, क्या अभी अभी, क्या अभी अभी निर्णय नहीं हुआ है, पर संभावना है आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो। कल क्राइसिस कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ दिन के लिए थोड़े समय के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। आने वाले दिनों में हम कल बैठेंगे और किस प्रकार आने वाले दिनों में थोड़े समय के लिए लॉकडाउन किया जा सकता है इस पर विचार करेंगे। सांसद महोदय, सर कंट्रोल रूम में आए हैं, क्या कुछ निकल के आया है अभी तक, क्या स्थितियाँ हैं? नहीं देखिए, जब अनलॉकडाउन हुआ है तो कुछ केसेस जरूर बढ़े हैं और हमारा तो मानना है कि जिस प्रकार केसेस बढ़े तो हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़े। तो हमको जो जिस गाइडेंस पे हमने लॉकडाउन करा था, जो प्रोटोकॉल दिया था, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको पालन करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल बेठोक घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उससे संख्या जरूर बढ़ रही है। और दूसरा कॉन्टेक्ट से हम जिस प्रकार से अभी हमने कंट्रोल रूम पर देखा है किस प्रकार, यह देश का सबसे अच्छा कंट्रोल रूम है जिसमें सर्वे की सभी चीज़ें आती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। सर्वे के बाद हमारे जो डॉक्टर है उसको मॉनिटर करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ट्रेसिंग होता है और ट्रेसिंग में भी हमने स्पान बढ़ाया है, या जो जिस लोगों से मिला है उन सभी लोगों की सैंपलिंग करते हैं, तो ट्रेसिंग को लेकर और ट्रेसिंग के बाद होम आइसोलेशन का जो नया कंसेप्ट खुला है उसको लेकर भी यहाँ पर करो। तो मुझे लगता है कि इस
प्रक्रिया को हम नीचे तक बारीकी से देख रहे हैं। इसमें हमें जो अगर कोई पेशेंट ऐसा मिलता है तो हम उसको जरूर निकालने की प्रयास करते हैं, पर कुल मिला के शहर में मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। ये डाटा कैलकुलेशन जो भी यहाँ पे यहाँ जो एनालिसिस हो रहा है, तो क्या कुछ उसमें क्या निकल के आ रहा है, किन एरियों में बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सर्वे जो टीम रहती है नीचे तक जाती है, हमारे जो हर कॉलोनी में जाती है, सर्वे करती है, एक एक घर से जाती है। 15 लाख से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके, 3.5 लाख घरों में जाकर, और उन्होंने पूछताछ करके उनके जो सिम्टम आते हैं, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी आते हैं, उसको फिर जब इसमें ऐप में डालते हैं तो वहाँ डॉक्टर जाता है, वो डॉक्टर फिर उनसे चर्चा करता है, बात करता है। अगर उनको लगता है कोई सिम्टम ऐसे है जो जाँच कराने योग्य है, तो उसकी फिर जाँच होती है। जाँच में अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग में वो जिन जिन लोगों से मिला है उन सब की ट्रेसिंग होती है, उन सब की जाँच होती है। तो एक जाँच का दायरा हमने बढ़ाया है, और ताकि हमें चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति छूट न जाए अगर किसी में कोई सिम्टम हो तो। के साथ जब हम लोग रिव्यू किया है कि सर्वे जो पूरे ज़िले का चल रहा है वो कितने लोगों का हो चुका है, क्या स्टेटस है, कितने आईली सारी उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उनका कितने को डॉक्टर्स ने देख लिया है, डॉक्टर्स ने देखने के बाद कितनों को हॉस्पिटलाइज किया है या ट्रीटमेंट दिया गया है, इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी राउंड लिया माननीय सांसद जी ने, और कितने पॉजिटिव पेशेंट्स थे, पर पेशेंट कितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, उसमें से कितने की सैम्पलिंग ली गई है और किस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, वो एक जनरल ओवरऑल रिव्यू लिया हम लोगों ने, माननीय सांसद जी ने भी। और होम आइसोलेशन ऐप भी हम लोगों ने किया, क्योंकि उसमें लगभग 450 से अधिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम लोग का चल रहा है, 125 करीब एक्टिव पेशेंट्स होंगे, बाकी सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। उसमें भी एक पेशेंट से माननीय सांसद जी ने चर्चा की, बच्ची है वो, और उसका पल्स ऑक्सीमीटर लगवा के चेक भी किया हम लोगों ने, तो 98-99 करीब था उसका, बच्ची स्वस्थ कंडीशन में बच्ची आ रही है, वो 3 दिन पहले आई थी वो, और घर पे मेडिकेशन हो रहा है। हर 4 घंटे में हम लोग होम आइसोलेशन या कंट्रोल रूम से सभी पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं, उनका टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन लेते हैं। तो वो एक प्रक्रिया अभी माननीय सांसद जी ने चेक कराई कि व्यवस्था ठीक चल रही है, नहीं चल रही, तो अच्छे से सुचारू रूप से वो भी चल रहा है होम आइसोलेशन। आने वाले समय में अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम लोगों का सर्वे का एक्टिविटी, उसमें सर्वेस डॉक्टर की इलाज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तारतम में उनकी सैम्पलिंग, फिर होम आइसोलेशन, ये सब सिस्टम्स को परफेक्टली चलना जरूरी है। तो उसी की मॉनिटरिंग किया है आज माननीय सांसद जी और मैं, हम दोनों जन आए थे यहाँ पर। कोरोना में अब तक कितने हमने घरों का सर्वे कर लिया? किल कोरोना में हम लोगों का लगभग इस समय अगर आज का फिगर लेंगे तो मेरे ख्याल से 27-28 लाख का फिगर जाएगा, वो जो लोगों का हम लोगों ने सर्वे कर लिया, लगभग 27 लाख तक जाना चाहिए आज शाम तक फिगर। और उसमें जो हमारे कोविड के सस्पेक्ट, लगभग 4000 सस्पेक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उसमें, जिसमें ILI भी था, सारी भी था, और उनकी सबकी सैम्पलिंग ली है। लगभग 1-2%, किसी दिन 3% भी उत्तर कन्वर्जन कोविड पॉजिटिव केसेस में हुआ है उसमें, और वो निरंतर मॉनिटरिंग चल रही है, डेली बेसिस पे हम लोगों के पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेली बेसिस पे सैम्पलिंग और सैंपल रिजल्ट को अपडेट करना और उनको हॉस्पिटलाइज कराना, वो प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ संख्या जो बढ़ी है अभी शहर में, कुछ कारण ये भी है कि पूरे संपूर्ण ज़िले में इंक्लूडिंग ग्रामीण क्षेत्र, जो हम लोगों ने 2860 करीब टीम्स लगाई हैं, उनका रिजल्ट जो आ रहा है उससे भी अर्ली डिटेक्शन पेशेंट्स का हो रहा है। और मेरा मानना है कि अर्ली डिटेक्शन होता है पेशेंट्स का तो वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं, और काफ़ी अच्छा माना जाता है उसका। मॉर्टेलिटी रेट भी हम लोगों का जो डेथ रेट था, अगर करंट लेंगे, कुछ अप्रैल की जरूर डेथ जुड़ रही है हर दिन, और करंट अगर लेंगे तो काफ़ी कम हो गया है डेथ रेट भी हम लोगों का, औसत लेंगे तो 1 से भी कम आ रहा है प्रतिदिन। तो उसका इसी कारण से है कि सर्वे इंटेंसिव चल रहा है, अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, जल्दी पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसी के एक जनरल रिव्यू के लिए हम लोग आ जाते हैं। थैंक यू। स्थितियाँ बनी है, हमने देखा कि मरीजों की संख्या बढ़ी है, और मरीजों की संख्या के साथ साथ कुछ सीरियस पेशेंट भी आए हैं। ये देखा गया है प्राय कि जो शहर के साथ साथ आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी मरीजों की संख्या आ रही है, और एक जो जागरूकता आम लोगों में होनी चाहिए उसकी कमी देखी गई है। हमने शुरुआती दौर में फ़ाइन करने की बात कही थी, लेकिन ये बात आ रही थी फ़ाइन ज़्यादा है, और लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अब 1 सप्ताह उनको मौका दिया जाए, लेकिन उस मौके देने के बाद भी हमने देखा कि जनता जिस प्रकार से अनुशासन और संयमित रहना चाहिए वो नहीं रह पाई, और लगातार केस बढ़ते गए। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। आज हम सभी जो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से, हमारे डीन, CMHO और MI के जो अधीक्षक हैं, उन सबसे बैठे थे, तो सबकी चिंता थी कि मरीज़ बढ़ रहे हैं और सिम्टम बढ़ रहे हैं।
तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस प्रकार हमने लॉकडाउन खोला है, अनलॉकडाउन किया है, तो जो प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए आम लोगों को वो नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमको अभी विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें। लॉकडाउन की ओर हमें जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, अगर ये इसी प्रकार की स्थिति रही तो। अभी मेडिकल बेसिस पे जो बातें आई हैं वो चिंताजनक हैं, और हमें शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति बिगड़े नहीं। हमने देखा देश के बहुत सारे शहरों में वापस पूर्णतः लॉकडाउन हुआ है, तो इंदौर की स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए हम सबको बैठ के चिंता करना पड़ेगी। बाकी संभावना पूरी है कि हमको उस ओर जाना पड़ेगा। लॉकडाउन की फैसला कब करेंगे आप, कब बैठक संभावित है, कितने दिन? क्राइसिस मैनेजमेंट की कल बैठक लेंगे और उसमें सभी से बात करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कितने दिन का हो सकता है ये? कल संभावना है, अब जो सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से हो सकता है कि 3-4 दिन के लिए करें, हफ्ता भर के लिए करें। पूरी सिचुएशन हम जनप्रतिनिधि के साथ रखेंगे और मुझे लगता है उसके साथ निर्णय लेंगे आगे। नहीं, सिम्टम तो आ रहे हैं और डॉक्टरों ने ये चिंता व्यक्त की कि मरीज़ ज़्यादा बढ़े हैं संख्या में और कुछ सीरियस मरीज भी आ रहे हैं, तो चिंता है डॉक्टरों को। मुझे लगता है उसी चिंता के आधार पर हम कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो 2 दिन में इतने मरीज आए, सीधे 80 से ऊपर आंकड़ा? देखिए ये हो सकता है 7-8 दिन बाद और बढ़े आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके सिम्टम थोड़े दिन बाद आते हैं। आने वाले 8-10 दिन में हम देखेंगे, हो सकता है संख्या मरीजों की बढ़े, तो हमको अभी से सब चीज़ों की प्रिकॉशन लेना पड़ेगी, चिंता करना पड़ेगी। हो सकता है, लोगों को हमने कहा था कि अवेयर हैं, लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर अनुशासित रहते, संयमित रहते तो ऐसी चीज़ें नहीं बनती, और कहीं ना कहीं हमारी गलती है लोगों की कि जो प्रशासन तय करता है वैसा हम ध्यान नहीं देते। तो ये तो मैंने पहले ही कहा था, ये सामूहिक जिम्मेदारी हमारी और जनता की, सब मिलके करेंगे तो ही लड़ाई से लड़ सकते हैं। अकेला प्रशासन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, ये सामूहिक लड़ाई है, इसमें जनता का साथ चाहिए। देखिए अभी जो सिचुएशन है वो आपके सामने, जो रिपोर्ट आ रही है आपके सामने, रिपोर्ट में ये आ रहा है कि थोड़े बढ़े हैं। अगर आने वाले दिनों में हमने कंट्रोल नहीं करा तो हो सकता है ये संख्या और कहीं ज़्यादा ही बढ़ सकती है। देखिए ये टेक्निकल चीज़ें, ये तो मेडिकली बता सकते हैं, पर संख्या बड़ी है उसको लेकर हम चिंतित हैं। बैठक आयोजित की गई थी शहर को फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ जाने का विचार किया जा रहा है, कब से लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन रही है? बैठक इसलिए नहीं थी कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए, बैठक इसलिए थी कि शहर के सभी जो हम लोगों के इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की टीम है, डीन मैडम है, या जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, CMHO डॉक्टर्स की टीम है, इन सबसे बैठ करके बस समझना चाह रहे थे कि मेडिकली क्लिनिकली किस तरह के सिम्टम्स इस समय कोरोना के शहर में चल रहे हैं अस्पतालों में, और किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में, कितना अस्पताल के संचालकों का या डॉक्टर्स का क्या ऑब्जर्वेशन है वायरल लोड को लेकर के, और किस प्रकार से जो ये संख्या बढ़ी है किस प्रकार किस दिशा में जा रही है ये, और क्या कारण हो सकते हैं, जो डॉक्टर्स का जो पूरा फीडबैक रहता है कि क्या कारण हो सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के सभी डॉक्टर्स के साथ बैठक थी। माननीय सांसद जी थे उसमें, संभागायुक्त महोदय थे और डॉक्टर साहब डॉक्टर निशांत खरे थे उसमें, और सभी से चर्चा की हम लोगों ने डॉक्टर्स से, और डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन यही था कि संख्या कुछ बढ़ी है, और संख्या बढ़ी है ये सही है। संख्या बढ़ने का कारण ये भी है कि हम लोग किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे भी करा रहे हैं, 60-70% उसमें सर्वे के ही पेशेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने वो पेशेंट पड़े हैं, पर ये बात भी सही है कि 30-40% पेशेंट्स उसके अतिरिक्त भी आ रहे हैं और जिनमें सिम्टम्स हैं जिनमें, तो ये एक अगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन मेजर्स होने चाहिए शहर में। फिर ये भी बात की गई डॉक्टर से कि कारण क्या है सब चीज़ों का, तो उसमें डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो एक जो सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई हैं, शहर में भी कई जगह गई हैं, फिर जो फूड जोन्स जो खुले हैं, जो फूड के स्टॉल्स खुले हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर बिना मास्क यूज़ किए और जिस प्रकार से लापरवाही से लोग खा रहे हैं फ्री होकर के, वो भी एक कारण है। और तीसरा जो मार्केट में जो मिक्सिंग हो रही है लोगों की, और जो दुकानदारों को सचेत करने का रखने का बोला गया था, जो वहाँ के एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी है कहीं ना कहीं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन या मास्क का नहीं लगाना भी एक कहीं ना कहीं एक कारण बनता हुआ दिख रहा है।
इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है हम लोगों की। जनरल ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स के यही है, कुछ शहर में करना चाहिए ताकि मिक्सिंग कम हो ये लोगों की, और ताकि जो अभी ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई है, अभी जो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये ट्रेंड रहा है हर समय कि एक समय के बाद दोबारा ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स के साथ में केसेस बढ़ते हैं, और उसकी एक बहुत ही हल्की शुरुआत एक तरह से इंदौर में इंडिकेशन के रूप में दिख रही है, तो सभी डॉक्टर्स एकमत से सहमत थे कि कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या इस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, लोगों का मिक्सिंग कम हो, और किस प्रकार से किया जाए स्पष्ट है कि डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं बतला सकते हैं, और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई किस प्रकार से किया जा सकता है। पर हाँ, ये शहर को आज आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि जो वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे आप कल नोवेल्टी मार्केट हम लोगों ने सील कराई, वहाँ का अगर आप हालत देखते क्या है, तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है कि दुकानदार या आम जन बिल्कुल भी लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप जेल रोड की स्थिति देखें शहर में, तीसरा आप सिंधी कॉलोनी मार्केट की स्थिति देखें, आप चोइथराम फल सब्जी मंडी की स्थिति देखें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टीमें गई नहीं हैं, चेक नहीं किया है, और उसके बावजूद भी हर समय हर जगह हर स्थान पर प्रशासन की या नगर निगम की या पुलिस की टीमें नहीं खड़ी रह सकती हैं। कुछ जनता को भी समझना चाहिए, या जनता के साथ जुड़े हुए जो एसोसिएशंस हैं, जिन लोगों के कमिटमेंट्स पे हम लोगों ने अनुमतियाँ जारी की थी, उनको भी समझना चाहिए थोड़ा। तो कहीं ना कहीं वॉलेशंस हुए हैं, वही रीज़न है, और ये चीज़ न केवल इंदौर में है, देश के अन्य शहरों में भी थोड़ा ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा तेज़ी से उठी है, वर्ल्ड में भी उठी है, पर हाँ इंदौर में अभी ये स्टेज है कि अभी थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन मेजर्स ले लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो उछाल आ रहा है देश में उससे अपन बच सकते हैं। सर, लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी, अगर होती है तो किस टाइप से आपको ये निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।